भारत कनाडा टेंशन के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के लिए लगातार राजनीतिक संकट बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद कनाडा ने भारत के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया था। जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध स्थिर पड़ गए हैं, लेकिन ट्रूडो के लिए संकट बढ़ता ही जा रहा है। ट्रूडो के लिए नई मुसीबत आई है बलोच लोगों से। दरअसल कनाडा की बलूच मानवाधिकार परिषद ने बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच की रहस्यमयी मौत पर पाकिस्तान के खिलाफ खामोशी अख्तियार किए रहने पर पीएम जस्टिन ट्रूडो सरकार की आलोचना की है। बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक बार फिर चिट्ठी लिखकर करीमा बलोच की मौत पर सवाल पूछे हैं। करीमा बलोच पाकिस्तान की हुकूमत से टक्कर लेने वाली वो महिला थी जिसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने की आवाज को पूरे प्रांत में मुखर बना दिया था। करीमा बलूचिस्तान आंदोलन का इतना बड़ा चेहरा बन गई कि पाकिस्तान हुकूमत ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान आंदोलन से जुड़े लोग और करीमा के रिश्तेदार लापता होने लगे और बाद में मृत पाए गए। आरोप पाकिस्तान सेना पर लगे और करीमा बलोच ने धमकियों के बीच पाकिस्तान छोड़ दिया और कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा आकर भी करीमा पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाती रही। करीमा बलोच को कनाडा में भी लगातार धमकियां मिल रही थी। एक दिन वो लापता हो गई। उनका शव टोरंटो की ओंटारियो नदी के पास मिला था। करीमा के परिवार वाले पाकिस्तान पर करीमा की हत्या कराने का आरोप लगाते रहे, लेकिन कनाडा पुलिस ने इसे सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक करीमा बलोच को आखिरी बार 20 दिसंबर 2020 को शाम करीब 3 बजे देखा गया था। इसके बाद वो गायब हो गई। इतनी बड़ी नेता की मौत पर कनाडा की सरकार की ओर से कोई बयान तक नहीं जारी किया गया। अब जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था उसकी हत्या को लेकर भारत को ज्ञान दे रहे हैं। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाने शुरू किए तो करीमा बलोच की मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। बलूचिस्तानी संगठन ने कनाडा में बलूचिस्तान की आजादी की बात करने वाली करीमा बलोच की संदिग्ध हत्या के मुद्दे को उठाते हुए जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखते हुए मानवाधिकार संगठन ने लिखा, हमारा दृढ़ विश्वास है कि कनाडाई सरकार को जाति पंथ या राजनीतिक योगदान की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत के खिलाफ बहुत तेजी दिखाई, लेकिन करीमा बलोच की संदिग्ध मौत के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया। कनाडा में पहले से ही बच्चों के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा की संसद में एक नाजी को सम्मानित करने को लेकर भी पूरी दुनिया में कनाडा की फजीहत हो रही है। ऐसे में करीमा बलोच के मुद्दे पर चुप रहने वाली कनाडा की सरकार का भारत के मुद्दे पर नैतिक ज्ञान देना कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है।